Hello everyone, assalamu alaikum. I am Zinu Lai Khan and welcome back to my channel Zinu Lifestyle. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing great. और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, लेकिन आजकल थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हुआ है और थोड़ा सा फीवर भी है. कुछ और भी है आपके साथ शेयर करने के लिए. तो ये तो जो वायरल फीवर है चल ही रहा है, 1 वीक से मुझे आ रहा था और मैं ठीक हो गई हूँ. और एक छोटी सी क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैंने कल स्टीम लिया था, तो मैंने उसमें इंजेक्शन डाल के स्टीम ले लिया था, तो थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ. दवाई मेडिसिन वगैरह मेरी चल रही है. और बट मुझे जाना है कल इंगेजमेंट में, तो मेरे रिलेटिव में है इंगेजमेंट, तो उसी के लिए हम लोग को बाहर जाना है. हम लोग कल MP जा रहे हैं, तो MP में कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे और कैसा सब कुछ होगा, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ब्लॉग्स भी बहुत प्यारे प्यारे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं जिनके साथ मैं बहुत ढेर सारी मस्ती करूंगी, तो आपके साथ सारे ब्लॉग शेयर करूंगी. और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी आईब्रो बनाने वाली आई थी, क्योंकि मैंने आईब्रो बनवा ली है. आपको देख रहा होगा कितना फेस क्लीन लग रहा है, ठीक है. और उसके बाद ये सारी जो तैयारी है, ये मम्मा का बैग है, ठीक है. मैं यहाँ आ गई थी तो ये तैयारी यहाँ पर है और मेरे ये बैग्स रखे हुए हैं. यहाँ पर आ गई थी अपना पूरा सामान वगैरह लेकर, तो मैंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी. और मैं ये फेशियल किट लेकर आई हूँ घर से. मेरे पास थी ये गुड वाइफ की, तो मैं सोच रही हूँ ये एक बार मैंने रिव्यू के पर्पज से मंगाई थी, तभी मैंने इसका यूज़ किया था. उसके बाद तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको 2 टाइम के लिए होती है, इसको अभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. और ये देख सकते हो, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो ये बिन बुलाया मेहमान, लाइक ये एक पिम्पल जो आया हुआ है. टाइम हो गया है इसको 4-5 दिन से, लेकिन फिर भी ठीक हो गया है, थोड़ा सा मैंने ठीक कर लिया है. और एक यहाँ पर भी छोटा सा है, तो क्या कर सकते हैं, ये तो सब ठीक है. और अभी जो टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे तक आने वाली है मेहंदी लगाने के लिए, तो वैक्सिंग वगैरह भी मेरी हाथ की मैंने कर ली है. और उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ये लगा लूँ, ये फेशियल कर लूँ, थोड़ा सा ग्लो ग्लो आ जाए फेस पर. फेस थोड़ा सा डल सा हो रहा है फीवर की वजह से, और कोल्ड एंड कफ दवाई वगैरह खाते हैं तो स्वेल भी हो जाता है थोड़ा सा, तो ऐसा है. तो सारी पैकिंग मैंने आफ्टरनून के टाइम कर ली थी, आयरन वगैरह भी मैंने कर लिया था. तो आज मैंने आपके साथ पैकिंग शेयर नहीं की है और बहुत कुछ लिया है, तो देखते हैं. अगर मेहंदी लगने के बाद तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना आपके साथ शेयर कर पाऊंगी. तो आपको एक चीज दिखाती हूँ. तो ये है मेरी एक कुर्ती जो मैं मॉर्निंग में वेयर करूंगी, जिसको मैंने आयरन करके रख दिया है. ये मेरी गिफ्टेड है, मेरी बर्थडे पे मुझे मिली थी, तो ये फर्स्ट टाइम मैं पहनने वाली हूँ. तो इसके साथ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके नीचे, मतलब बॉटम में पहनूँ, तो मैंने ब्लैक और पीच में कन्फ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि गोल्डन तो नहीं जा रहा है इसके साथ, आई डोंट नो. तो मैं सोच रही हूँ ब्लैक के साथ इसे पेयर अप कर लूंगी. और बहुत सारी मैंने शॉपिंग की हुई है, बट आपके साथ मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है. आपके साथ मैंने अपने बर्थडे गिफ्ट भी शेयर नहीं किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर और जल्दी से शेयर कर दूंगी. आने के बाद शेयर करूंगी कि क्या क्या मुझे बर्थडे गिफ्ट में मेरे हस्बैंड ने क्या दिया है और कुछ और भी गिफ्ट मिले हैं. तो अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी. तो अभी मैं लगी हुई बहुत ज़्यादा तैयारियों में, क्योंकि कुछ होता है ना तो मन होता है कि ये भी कर लो ये भी कर लो. तो मैंने सोचा क्यों ना ये फेशियल किट करते हैं, तो चलिए मैं अपना फेशियल कर लेती हूँ. तो अभी आप देख सकते हो कैसा फेस हो रहा है, गर्मी भी बहुत लग रही है क्योंकि फैन बंद है, यहाँ का वहाँ का चल रहा है, तो आवाज़ आ रही होगी आपको. तो मैंने एक डार्क सा टॉप पहन लिया है मेहंदी के लिए, क्योंकि कपड़े ख़राब नहीं हो इसलिए. और चलो मैंने ये कर लूँ, मैं लोगों को मैंने टाई कर लिया है. और इसके कुछ कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं, तो वो कर लेती हूँ मैं और देखते हैं कितना ग्लो आता है. Thank you.
लोगों का ये बैग है। ये बैग भी हम लोग ने अभी न्यू ही बाय किए हैं और न्यू बैग लिया अभी जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले भाई लेकर आया है। तो ये मम्मा पैकिंग कर रही हैं और ये है मम्मा मेरी और ये भी सब पैक कर रही है। ठीक है, तो मैंने अभी दो हील बाय की हैं, एक मैंने ली थी बर्थडे पर, एक मैंने एंगेजमेंट पे लिए क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारी शादियां आई थिंक आने वाली हैं, तो मैंने कहा ठीक है अभी लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। तो मैंने दो हील्स, एक बैली और एक मैंने हील लिए ब्लैक कलर की, वो मैं आपको दोनों अभी दिखाऊंगी कुछ टाइम बाद। और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो मैं इसको जल्दी से वॉश कर लेती। सारी पैकिंग मेरी हो गई है, ये सब कुछ मैंने रख लिया है यहाँ पर। तो ये यहाँ ये मेरी हील्स, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ मेरी न्यू हील, ये पहन के जाती हूँ मैं कि नहीं, मैंने बॉक्स से निकाल के इसमें रख लिया था। वही मेरी मेहंदी लग गई है, देख सकते हो आप। और इस बार की मेहंदी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, बिकॉज मैं जिससे मेहंदी लगवाती हूँ किसी रीज़न से मुझे उससे मेहंदी नहीं लगवा पाई, तो मैंने किसी और को बुलवाया था तो ठीक ठाक ही लगा दी है उसने। बहुत ही ज़्यादा कुछ कहने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये तो कुछ ठीक ही है, ये भी ठीक है। एंड सी क्या है ये, क्या है ये, आप देख सकते हो क्या है ये, ये ठीक है, ठीक है, लेट इट बी। जब ये डार्क कलर आ जाएगा तो ये अच्छी लगेगी, तो बस ठीक है। और देखते हैं अब खाना कैसे खाते हैं या तो नहीं खाते हैं। तो बस सारी तैयारी वगैरह हो गई, 9 का टाइम हो गया है तो 10-11 बजे तक मैं सोती हूँ, तो पूरी मेहंदी मैं छुटा कर ही सोऊंगी क्योंकि तब तक तो पूरी मतलब सूख तो गई है, थोड़ी सी बची है बस, नींद नहीं आती है क्योंकि फेस पर भी लग जाती है। और बस तो बस मिलते हैं आपसे, इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ यहीं पर, ओवर करती हूँ इस ब्लॉग को, मैं मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय, मेरी हालत पर मत जाओ बिल्कुल भी। सो आई एम रेडी और अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:30 हो रहे हैं और बस अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो सभी जो टाइम हो रहा है वो 8:00 हो रहे हैं और हम लोग 8:00 पे घर से निकले हैं और जाने में 2 घंटे लगने वाले हैं। तो बहुत अच्छा मॉर्निंग का वेदर हो रहा है, सुबह तो वैसे भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा सा प्यारा सा होता है। तो आप देख सकते हो सुबह सुबह बारिश भी होने लगी है। Thank you.
अभी जो टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो यहाँ पे कुछ मिला तो नहीं, तो मिली है बेसन की भजिया, तो मॉर्निंग में तो यही सब कुछ मिलता है तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा, तो हम लोगों ने भजिया ले ली है, गरम गरम भजिया है तो यही खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह से चाय ब्रेड खा कर निकले थे। और जल्दी जल्दी में अच्छे से खा भी नहीं पाए थे तो फिर ये ले लिया अभी, और एक पानी की बॉटल भी ले ली है।